हाँ जी, राम राम जी। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। ना बिल्कुल रेडी हो गए और ये ध्यान से भी नाली रेडी होगी। और आज हम पहले ही पटियाला जा रहे हैं। अच्छे बेटा जाओ। ठीक है दादा। अच्छे बेटी भगवान। हर बार मेरा है मेरा दावा है। ओ वाह यार, ये ठीक है। दादा जी का आशीर्वाद ले। अब पोते दे आराम से जाइयो बेटी, आराम से जाइयो। ठीक है, आराम से पोट रहे हैं। बाय कर दो। बाय 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 बाय। आ जा रियांशी, अब तो नहीं दादा को बोलेगी। हाँ भाई, आप तो नहीं बोलेगी दादा को। अरे तू तो नहीं बोल रहे हैं। चलो बाय 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 बाय। तो फ्रेंड हम निकल पड़े हैं पटियाला की ओर। आज भाविका को पटियाला घुमाएंगे क्योंकि बार बार तो मौका मिलेगा नहीं भाविका को। मेरे पटियाला वाला घर भी दिखा देते हैं और इसी बहाने आपको भी होम टूर करवाऊंगी मैं। और पीछे बैठे हैं मौसी बेटी दोनों। हाय बोलो बेटा, हाय बोलो। और मोर साहब ठीक है भाई, कर रहे हैं ड्यूटी अपनी। कोई नहीं था जा। नहीं भाई, ड्यूटी कौन सी? यही भाई तुम्हारी। अभी ड्राइवर हूँ, फिर बेबी केयर बन जाता हूँ। और क्या? देखो भाई, शादी के बाद हस्बैंड तो ड्राइवर ही होता है। सब कोई होता है। नहीं मैं तो फिर पर्सनल ड्राइवर हो गया। अब चलानी तो मुझे भी आती है, मुझे दे दिया करो। पर्सनल असिस्टेंट है, ड्राइवर, डे केयर, बेबी केयर सब कर लेते हैं। चलो बढ़िया है, उड़ा लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। क्या थैंक यू? और तो क्या ही बोल। अच्छा नहीं है, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? रियांशी भाविका, हम पहुंच गए हैं पटियाला। इधर आर्मी कैंट जाता है, ठीक है, देख ले। सामने से, सामने से हमारा घर का रास्ता ये। हेलो, हम सब जा रहे हैं सरकारी क्वार्टर में। हाँ, अनु को मिला है नया नया। हाँ, उसको अब तू काफी क्रिएटिव है, तो उसको अच्छे अच्छा डेकोरेट करके जाना। हमारा याद रहे कि हाँ ये भाविका करके गई थी। अच्छा, फाइनली पहुंच चुके हैं और मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। अब हम जाके खाएंगे पराठे। थक गई कहाँ, भूख लग रही है क्या? पराठे खाएंगे अब हम। तो इसीलिए आशीष गया दही लाने और एक कुरकुरा मंगवा रही है भाविका। और रियांशी सो रही है। रियांशी तो छोड़ा है मैं पत्थर। हाँ जी मैम, देख रहे हो कॉलोनी को? देख ली, बढ़िया है, काफी खुली खुली बना रखी है। हाँ मस्त है। सामान पकड़ो भाई, अकेले अकेले कैसे जा रहे हो? इतना सामान हम ले आए। अच्छा आपने पकड़ना है, पकड़ो। ये लो, काम से बुला रहे, काफी कुछ ले। चलो, ये बॉटल में क्या है? बॉटल में लस्सी लेके आए हैं। हम सीप पिएंगे। लस्सी, दूध, आटा सब कुछ लेके आते हैं घर से जिस दिन जाते हैं ना, पूरे एक हफ्ते का राशन। आते ही ऐसे साइबर लकी है हर सामान की सेटिंग करने में, क्योंकि जाते टाइम हमें बस जाने की पड़ी हुई थी। घर को ऐसे बिखरा हुआ छोड़ के भाग गए थे। हाँ। अब लगी हुई है मैडम। रियांशी क्या सिखा रहे हैं पापा क्या सिखा रहे हैं? गिटार? खुद को तो बजाना नहीं आ रहा, रियांशी को सिखा रहे हैं। कहते हैं भगवान आते
सबसे पहले भाविका डाल रही है गद्दों में कवर, उसके बाद बिछाएंगे चादर, सबसे पहले बेड को सजाएंगे भाई, आराम करने वाली जगह सबसे पहले। मारो धक्का, मारो जोर से मारो धक्का, ये हो गया? वो उसके नहीं, पूरा सेट हो जाएगा वहां से, थोड़ा और अंदर करो, इधर से भी रहता है। धक्का मारो, धक्का मारो मैडम। अरे ये हमारे गद्दे के कवर तो आ गए, हम चादर बिछा देते हैं। और भाविका ने ऐसे चादर के गांठ लगा दी, अभी सरकेगी नहीं। चादर बिछाई जा रही है, ये वाले देखो बिल्कुल टाइट फिक्स कर दी भाविका ने, इधर भी गांठ लगा दी। वाह नाइस ट्रिक। और ये वाला कॉर्नर रियांशी के लिए बना रहे हैं, ताकि वो बेड पे बैठे तो एग्जैक्ट यहाँ से उसको। और इधर देखो भाई, ये रुकी नहीं रही, तब से लगे पड़े हैं। भाविका देखिए, ये मैंने रियांशी के लिए मंगवाया था, इसमें एक तो सारे वो पता चल जाएंगे उसको, सन जुपिटर प्लेनेट नेपच्यून अर्थ वीनस, और हाइट भी मेजर करता है ये। हाँ सेंटीमीटर में, मेरी भी हो जाएगी सेंटीमीटर में। कब तक फाइनल होगा तुम्हारा ये? ये वाली लोकेशन तो होने जा रही है, अभी मत दिखाओ। ओके भाविका यहाँ देख रही है, पोस्टर चिपका रही है। आप क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ अपनी प्रेस को सेट। अच्छा तो दोस्तों हमारे पास देखना कैसी वाली प्रेस है, स्टीम वाली है। वैसे ना तुम मॉल वगैरह में देखते हो? यहाँ ये वाला रूम हमने स्टोर सा बना रखा है, तो इसमें प्रेस यूज करने के लिए ड्रेसिंग वो सब चीजें। अब हम आ गए हॉल में। मैडम ये देखो कुछ कुछ लेके आई है, हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, सेट कर रहे हैं सारे। ये कारपेट भी बिछा दिया, ये सारे सामान है ना भाविका लेके आई थी। हम एक बार पूरा सेट करके फिर आपको होम टूर करवाएंगे, उसमें बताऊंगी मैं क्या क्या भाविका लेके आई थी, कौन सी चीज हम कहाँ से लेके आए थे। और इधर चल रही है मम्मी बेटे की मौज मस्ती, और इधर चल रहा है क्रिएटिव वर्क, देखते हैं क्या बनाते हैं। लगे पड़े रियांशु। और भाविका और आशीष कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारा डेकोरेट कर दिया, लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम हो गई है। टाइम देख लो 8:30 हो गए, तो 9:30 एक सेकंड दिख नहीं रहे। भाविका और आशीष की मेहनत तरंग ला रही है, टेन टेडा। और ये हमारे DIY लैंप्स हैं जो हमने अभी बस तुरंत बनाए हैं, होममेड लैंप बनाए हैं इन्होंने, काफी अच्छे लग रहे हैं ना। ये ना पैन स्टैंड की टोकरी थी, दोनों ही ऐसे कुछ मतलब कुछ डालने के लिए होल करके बिल्कुल। तो आप सबको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज पता नहीं भाई ये मैडम क्या करके मानने की 10 बजा दिए। अब क्या कर रहे हो? कल मेरे दिन की ट्रेन है ना फिर। अभी अच्छा अभी यूज कर रही है भाविका का सारा। और इधर रियांशी सो गई बिल्कुल आराम से। भाविका का माइंड है ना बहुत क्रिएटिव है, कॉलेज में जैसे ये इसने क्लब भी ज्वाइन कर रखा था, पेंटिंग वगैरह सब कुछ करते ही है, और डेकोरेशन में तो माहिर है, तो आज मैं इसका पूरा फायदा उठा रही हूँ, मेरे घर को डेकोरेट कर देगी। मल्टी टैलेंटेड गर्ल है, पढ़ाई में तो है इंटेलिजेंट, अदर एक्टिविटीज में भी है, और डांस आपने देख ही लिया होगा रील्स में। डांस से बढ़िया करती, डांस तो मजा आ गया करके। और हां जी मोर साहब क्या कर रहे हो? मैं ये बना रहा हूँ वेज क्रिस्पी स्टिक्स तुम्हारे लिए। अच्छा मैं हम काम कर रहे हैं इसलिए, चलो बढ़िया बना दो। अरे इधर क्यों रहे हो? ये फ्रीजर में रखा हुआ था, इसमें पानी था। यार हाँ हमने बना लेते
ये फ्रीजर में था तो इसके ऊपर पानी जमा हुआ था, लो मैं बनाती हूं। इसमें डरने की क्या बात है, ऐसे तो हम भी लावा रोज ही धोए। क्या मी इस पे बर्फ जमी हुई है तो पानी हम तेल गरम तेल में डालेंगे तो आवाज तो करेगा नहीं फिर। हां वो फ्रीजर में रखने का था ना, तुमने ज्यादा देर फ्रीजर में रख दिया, पहले निकालना चाहिए। चलो कोई नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये आवाज गया फटफट, बाद में नहीं गया। ये देखो मैंने बना लिए, काफी अच्छे लग रहे हैं। कैसा टेस्ट, मतलब मेरी चॉइस मानते हो? बढ़िया है। फ्रेंड ये मोर साहब ने बनाए हैं क्रिस्पी स्टिक्स, पता नहीं मोर से कह के उठा लेते हैं और फिर बनाते हैं, फिर बनाना तो चाहते नहीं। चलो फिर भी पर अच्छे हैं, बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। और हमने जो जो डेकोरेशन करनी थी, जो मेरी फ्रेंड सामान लेके आई थी, वो सारा सेट कर दिया। और अब काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए जो एक बार मैं कल होम टूर करवाऊंगी, हमने सारा सेट कर दिया, कहाँ क्या रखा है कैसे किया वो सब कल वाले व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको, लाइक किया करो, कमेंट किया करो और शेयर भी किया करो। बाय।